दोस्तों, मैं रंजना शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24 प्लस में। विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा एवं कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा बने चैंपियन। बालिका वर्ग में खुशी महामाया बालिका इंटर कॉलेज नोएडा और बालक वर्ग में भी रॉय गौतम बुद्ध नगर बालिका इंटर कॉलेज बने रेस चैंपियन। इस क्रॉस कंट्री रेस में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR के स्कूलों के लगभग 370 बच्चों ने भाग लिया। डॉक्टर नीरज टंडन प्रिंसिपल पंचशील बालक इंटर कॉलेज नोएडा तथा हिंदू कॉलेज के री प्रोफेसर CK सेठ ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ कराई। सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट नोएडा द्वारा मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर नोएडा स्टेडियम में सोमवार दिनांक 29 अगस्त 2022 अंतर विद्यालय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया। नोएडा स्टेडियम में आयोजित 11वीं मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस पर अंतर विद्यालय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा एवं कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा ने जीत। इस दौड़ प्रतियोगिता में विश्व भारती पब्लिक स्कूल ने 69 और कैम्ब्रिज स्कूल ने 51 पॉइंट लेकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। PBIC नोएडा के प्रिंसिपल डॉक्टर नीरज टंडन, नोएडा लोकमंच से श्री महेश सक्सेना जी, हिंदू कॉलेज के री प्रोफेसर CK सेठ, सोसाइटी के कन्वेनर श्री MM बैग साहब, अध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाल जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती विमलेश शर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार व मेडल प्रदान किए। मैं डॉक्टर नीरज चंदन प्रिंसिपल पंचशील बालक इंटर कॉलेज, मैडम जो प्रेजेंट मैडम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया और पूरी सोसाइटी का कि इतना बड़ा जो इवेंट ही आज नेशनल स्पोर्ट डे हो रहा है, ये बड़ा अच्छा है और कई चार सालों से मैम इसको प्रयास कर रही है और प्रशासन के काफ़ी लोग और एजुकेशन इसमें एसोसिएटेड हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल्स इसके अंदर एसोसिएटेड हुए हैं और मैडम का बड़ा अच्छा एफर्ट्स है स्कूल के लिए कि उनको मोटिवेट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए और जैसे सोसाइटी का नाम है स्पोर्ट एंड कल्चर, जो हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है स्पोर्ट और कल्चर। इसको अगर हम डेवलप करेंगे जभी हम एक सोसाइटी डेवलप करेंगे, कंट्री डेवलप करेंगे, नेशन डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यही सबको जो जितने भी रनर हैं और विनर हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हम सभी बच्चों में ये जो स्पोर्ट की एक्टिविटी है इसको प्रमोट करें। SCA सोसाइटी का पूर्व सचिव देवेंद्र कुमार हूँ। आज हमारी सोसाइटी की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे पर इंटर स्कूल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप करवाई गई। ये 11वीं चैंपियनशिप है और इस चैंपियनशिप में नोएडा ग्रेटर नोएडा के 25 स्कूलों के करीबन 450 बच्चे भाग लिए, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों की टीमें शामिल हैं। इसमें हम लोग ये पूरी तरह निःशुल्क प्रतियोगिता हम लोग करवाते हैं हर साल। सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट पिछले 13 सालों से शहर में बच्चों के लिए कार्य कर रही है। हमारी सोसाइटी पूरे वर्ष में 3 मेजर प्रोग्राम करती है, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम हमारा होता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर क्रॉस कंट्री इंटर स्कूल रेस, जो कि आज है और ये हर साल होता है। पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाया था तो इस बार 2 वर्षों के बाद हो रहा है, तो बच्चों में इसके लिए बहुत उत्साह है। सोसाइटी का इसके अलावा 2 कार्यक्रम और होते हैं। एक कल्चर का प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम हमारा वसंत महोत्सव के नाम से होता है और वो वसंत पंचमी के आसपास होता है। तीसरा हमारा वर्ल्ड डिसेबल्ड डे पर होता है तीसरा कार्यक्रम, जो पेंटिंग का कार्यक्रम होता है, तो उसमें सभी बच्चों से पेंटिंग बनवाई जाती है। सोसाइटी का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे शहर ये नोएडा शहर है, बड़े बड़े स्कूल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल भी हैं जो थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर स्कूल हैं, लेकिन उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिले, ये इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी एक लाइब्रेरी भी चलाती है, निठारी गांव में चलती है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भी जगह है और बच्चों को कुछ न कुछ सिखाया भी जाता है।